14 फरवरी को मातृपिता पूजन दिवस मनाने का आदेश जारी कर इस दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित किए जाने की मांग को लेकर एवं आसाराम बापू को शीघ्र रिहा किए जाने की मांग को लेकर श्री योग वेदांत सेवा समिति ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। युवा सेवा संघ के मधुसूदन अग्रवाल ने बताया कि माता पिता और गुरुजनों को भारतीय संस्कृति में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। हमारी संस्कृति की सीख है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता एवं गुरु की सेवा करने वाला स्वयं चीर आदरणीय बन जाता है, परंतु आज पाश्चात्य कल्चर के दुष्प्रभाव का शिकार होकर बच्चों का अपने माता पिता के प्रति आदर भाव व गौरव कम होता जा रहा है। उनके कोमल चित्त पर सुसंस्कारों की खेती न होकर कुसंस्कारों के कटंक वन खड़े हो रहे हैं। फलत बच्चों का निराशा, भय, चिंता, तनाव, असंतोष जैसे दुखद परिणामों का शिकार होना पड़ रहा है। बच्चे बच्चियां व युवक युवतियों के हृदय में माता पिता व गुरुजनों के प्रति आदर सम्मान बढ़ता रहे। वे दुष्ट चरित्रता, दुष्ट प्रवृत्तियों से बच के संयमी, सदाचारी, औज तेज संपन्न तथा उत्तम चरित्र के धनी बने तथा भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का अपनाकर अपना जीवन उन्नत करें। इस उद्देश्य से पूज्य आसाराम बापू की पावन प्रेरणा से पिछले 16 वर्षों से वैश्विक स्तर पर 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। देवा समिति, युवा सेवा संघ, महिला उत्थान मंडल ने मांग की है कि बच्चों व युवाओं को उन्नत करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का आदेश जारी किया जाए तथा इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। साथ ही पूज्य संत आसाराम बापू को झूठे आरोपों के तहत पिछले करीब 9 वर्षों से जेल में रखा गया है। 84 वर्षीय पूज्य आसाराम बापू का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसलिए शीघ्र ही निर्दोष पूज्य बापू को शीघ्र रिहा किया जाए। क्या मांगे आपकी? आज हमारी मांग है कि आज भारत में जो कुसंस्कृति फैल रही है, वैलेंटाइन डे एक ऐसा वैलेंटाइन डे जिसमें युवक युवतियों का विकास होने की जगह विनाश हो रहा है। ऐसे में संत श्री आसाराम जी बापू पिछले कई वर्षों से इस मुहिम को चलाए हैं कि भारत से कुसंस्कृति को हटाकर भारत का विकास कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा। जब हमारा धर्म, हमारी संस्कृति की रक्षा हमारे युवा पीढ़ी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो युवाओं का उत्थान करने के लिए और उनको कुमार्ग से हटाकर सुसंस्कारों से प्रेरित करने के लिए आज हम देखते हैं कि हमारे देश में इतने वृद्धाश्रम बन गए। किस कारण से बन गए? कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उन्हें बोझ समझता है, इसलिए वृद्धाश्रम भरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया और अपनी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने बच्चों को हर तरह से संपन्न करवाया, वही बच्चे आज अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं, अपनी संस्कृति का अनादर कर रहे हैं, अपने धर्म का अनादर कर रहे हैं। तो ऐसे धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिताम, जो धर्म की रक्षा करता है स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। जो संस्कृति की रक्षा करते हैं, जिस देश में उसकी संस्कृति, उसका कल्चर फलता फूलता है, वही देश सम्मानित होता है सभी जगह पर। तो हमारा भारत देश का सम्मान क्या है? हमारे भारत देश की मूल जड़ें संत होते हैं और आज भारत देश कुसंस्कृति और कुछ गलत लोगों की, विधर्मियों की वजह से हमारे संत और हमारा सनातन पूरी तरह से मिटाने पर तुला हुआ। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ ये है कि संत श्री आसाराम जी बापू जो निर्दोष है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सबसे पहले उन्होंने जो ये मुहिम चलाई 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में, हर विद्यालय में। अरे आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशापुरी गोस्वामी है, मैं देवास राजाराम नगर में रहती हूँ। हर विद्यालय महाविद्यालय में इसे मनाने के लिए अनिवार्य रूप से यहाँ से आर्डर पेश किया जाए, जिससे कि विद्यालयों में जाकर हमें परेशान ना होना पड़े। 14 फरवरी तो 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हर जगह इस कार्यक्रम को करना अनिवार्य है और 14 फरवरी को अपने अपने घरों में और हर जगह पर व्यक्ति करें और हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य है कि 14 फरवरी जो मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना है, तो इसको हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित हो। इसके निमित्त हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हैं और हम सभी हमारे योग वेदांत सेवा समिति देवास, युवा सेवा संघ देवास और महिला मंडल देवास के तत्वाधान में आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और हम सभी का ये निवेदन है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा संस्कार है, वो संस्कार विलुप्त ना हो।
और विलुप्त ना, तो इसके लिए जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको बनाए रखने के लिए आज हम सभी संगठित हुए और हम चाहते कि भारत में भारतीय संस्कृति का ही प्रचलन बढ़ता रहे। इसलिए हम चाहते कि 14 फरवरी सभी लोग अपने घर घर में, हमारा यही उद्देश्य है कि सभी अपने घर घर में अपने माता पिता का पूजन करें। आजकल की जनरेशन क्या मोबाइल और ये टीवी में अपने माता पिता को भूल गई है सेवा करना, कि माता पिता कौन है, जिन्होंने जन्म दिया उनका वो कर्ज भूल गए, वो बस उनको तो क्या है कि मोबाइल ने भ्रमित कर दिया। तो हम सभी से, मेरे सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं पूरे देवासवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हर माता पिता अपने बच्चों को इस जो 14 तारीख का जो महा अभियान चल रहा है उसमें अपने बच्चों को बोले कि बेटा 14 फरवरी अपने को माता पिता जो पूजन है वो करे। और मेरी गवर्नमेंट से यही दरखास्त है, राष्ट्रपति से यही मेरा दरखास्त है कि उसको राष्ट्रीय पर्व घोषित करे। आपका नाम? मेरा नाम मधुसूदन अग्रवाल, युवा सेवा संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।